हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो क्लास 12th में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसके अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था पोलिनेशन तक। पोलिनेशन के बाद एक टॉपिक आता है, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? जैसे अगर किसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता रहे, उसके अंदर इनब्रीडिंग होती रहे, वहाँ पर क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, वही स्पीसीज बार बार आ रही है, तो यहाँ पर अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ये होता है, ओके। तो यहाँ पर उसको ओवरकम करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। वो यहाँ पर हमारी बुक के अंदर चार आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या है, कि जो पोलन ग्रेन की डिसेंस का टाइम है एंड स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी का टाइम है, वो क्या करेगा, वो डिफर करेगा। या तो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगा, किसी और पोलन ग्रेन को पोलिनेशन करवा लेगा, या फिर पोलन ग्रेन है उस फ्लावर का पोलन ग्रेन, वो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है पोजिशन। अब पोजिशन है, स्टिग्मा और एंथर को अगर हम डिफरेंट पोजिशंस पर रखें, ताकि वो जो पोलन ग्रेन है एंथर से रिलीज हुआ, वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ना आए, इससे क्या होगा, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो सकता है, इससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगी, ओके। थर्ड है सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन है, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच तो कर देगा, बट वहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, चाहे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर अटैच हो गया है, तब भी पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी, पोलिनेशन नहीं होगी, दैट इज़ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फिर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब कई फ्लावर्स हैं, कई स्पीसीज़ क्या करती हैं, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की प्रोडक्शन करती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, कि एक फ्लावर तो मेल होगा और एक फ्लावर फीमेल होगा। जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग होंगे, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो दोनों अलग अलग होंगे। तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के हेल्प से भी हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, मान लो स्टिग्मा है और यहाँ पर पोलन आकर अटैच हो गया है, पोलन है ये S2 स्पीसीज का है और जो स्टिग्मा है ये S1 स्पीसीज की है, तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है उसके फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, यहाँ पर इसीलिए नहीं होती। स्टिग्मा क्या करता है, केमिकल्स को रिलीज करता है, या फिर पोलन ग्रेन जो केमिकल्स रिलीज करता है, उस स्टिग्मा उसको चेक करता है कि ये मेरी ही स्पीसीज़ का है या नहीं है, ओके। ये सब इंट्रैक्शन है, केमिकल्स का इंट्रैक्शन एंड जो उससे अलग स्पीसीज़ आ गई अगर स्टिग्मा पर, उसको रिजेक्ट कर देना एंड पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखो जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर दो फर्टिलाइजेशन होती है, एक तो होती है ओव्यूल के अंदर, हमने पढ़ा था, एक एग सेल होती है माइक्रोपाइल की तरफ, एंड दो क्या होती है, सिनेजिट्स। दिस आर सिनेजिट्स, राइट, एंड दिस इज एग सेल। इनके अलावा सेंटर में एक पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, राइट। अब पोलर न्यूक्लियाई की क्या थी, क्रोमोसोम नंबर N+N, और एग सेल क्या था, N, हैप्लोइड। तो यहाँ पर क्या होगा, सिनेजिट्स के अंदर क्या एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है। पोलन ट्यूब एंटर करने के बाद क्या करेगी, दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगी। एक मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ, एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, की एक फर्टिलाइजेशन तो एग सेल की ओर मेल गैमेट की हुई और एक फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई की ओर मेल गैमेट की हुई। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एग सेल है N, मेल गैमेट है N, ये बनाएंगे 2N, दिस इज जाइगोट, ओके। पर अगर N तो है मेल गैमेट का एंड N+N है, ये है पोलर न्यूक्लियाई का, ये बनाएंगे 3N कंडीशन, दैट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या बनाएगा आगे जाके, ये बनाएगा एंडोस्पर्म,
ठीक है, एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. तो यहाँ पर एन प्लस एन है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट क्या बनाएंगे, 2N दैट इज जायगोट. और यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियाई एन प्लस एन था, मेल गैमेट के साथ मिलकर बनाएगा ट्रिपल एन दैट इज PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये आगे क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन करेगा. ओके, तो यहाँ पर जो ये फ्यूजन है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. ये जो है ये है ट्रिपल फ्यूजन. क्यों है, क्योंकि इसने ट्रिपल जो न्यूक्लियाई है PEN उसकी फॉर्मेशन की है. ठीक है, अब उसके बाद आता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म कहाँ बनता है, किसकी वजह से, एक तो पॉलर न्यूक्लियाई की वजह से और एक मेल गैमेट मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं. राइट, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एक तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एंडोस्पर्म को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल कोकोनट. कोकोनट के अंदर क्या होता है, देखो किसी भी स्पीसीज के अंदर जब एंडोस्पर्म बनता है, मान लो ये ओव्यूल है, यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ये है PEN. PEN के अंदर पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होती है. न्यूक्लियर डिवीज़न होगी तो यहाँ पर ये बहुत सारे न्यूक्लियस की प्रोडक्शन कर देता है. अब यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ये न्यूक्लियस बने उनके बाहर साइटोप्लाज्म की कोई लेयर नहीं होती, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आपस में ऐसे ही ओपनली प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, सॉरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. और अगर यहाँ पर इनके बाहर एक साइटोप्लाज्म की लेयर आ जाए देन वी कॉल्ड इट एज सेलुलर एंडोस्पर्म. अब ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेलुलर एंडोस्पर्म तो जो हम कोकोनट का मीट है वो खाते हैं वाइट कलर का, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म. और जो कोकोनट का वाटर है दैट इज़ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, तो ये है एंडोस्पर्म के बारे में, दो टाइप के होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, उसके बाद है डाइकोट एम्ब्रियो. अब डाइकोट एम्ब्रियो है क्या होता है, जो डायकोट्स के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा जिनके अंदर टू कोटिलेडन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डायकोट एम्ब्रियो. तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डायकोट एम्ब्रियो का, फर्स्टली डायकोट एम्ब्रियो होता है ग्लोबुलर शेप्ड. सी एम्ब्रियो कहाँ से बना, एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है. क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा. एम्ब्रियो है वो कंप्लीट डिवाइड करेगा और वो बना देगा एक ग्लोबुलर एंडोस्पर्म, सॉरी ग्लोबुलर एम्ब्रियो. ओके, दिस इज ग्लोबुलर एम्ब्रियो. अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होगा और वो बनाएगा एक हार्ट शेप एम्ब्रियो. दिस हार्ट शेप एम्ब्रियो. तो यहाँ पे स्टेजेस हैं, पहले ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो बनता है देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. और ये जो आगे ये बन रहे हैं ना, दिस आर कोटिलेडन्स. ओके, तो यहाँ पर जो ये डायकोट एम्ब्रियो है वो क्या है, पहले तो था ग्लोबुलर शेप्ड एंड देन ये हो गया हार्ट शेप्ड. अब यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम लेके चले डायकोट सीड का, तो वहाँ पर टू कोटिलेडन्स होते हैं एंड यहाँ पर एक्सिस होती है. कौन कौन सी एक्सिस, देखो जो नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ रीजन होता है जो क्या बनाएगा, रेडिकल, रेडिकल रीजन वो बनाएगा रूट. तो कोटिलेडन्स और उस रेडिकल के बीच की जो एक्सिस होती है दैट इज हाइपोकोटाइल एक्सिस. एंड जो अपवर्ड वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा, अपवर्ड वाला पार्ट क्या है, प्लीम्यूल, ये बनाएगा शूट. और कोटिलेडन्स और इसके बीच की एक्सिस है वो होती है एपिकोटाइल. ओके, और ये दोनों क्या हैं, कोटिलेडन्स. तो यहाँ पर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बारे में पता चल गया. क्या होता है एपिकोटाइल, जो प्लीम्यूल और कोटिलेडन्स के बीच का एरिया है एक्सिस है, और जो रेडिकल और कोटिलेडन्स के बीच की एक्सिस है दैट इज हाइपोकोटाइल. ओके, और यहाँ पर फिर आता है मोनोकोट एम्ब्रियो. अब मोनोकोट एम्ब्रियो है, मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर एक कोटिलेडन होता है बट वो डायकोट एम्ब्रियो की तरह तो होता नहीं है. राइट,
तो यहाँ पर क्या होगा, मोनोकोट एम्ब्रियो का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो मोनोकोट सीड है, कुछ होता है ऐसा। यहाँ पर दिस इज क्यूटैलम, जो एग उसका कोटिलेडन होता है उसको हम कहते हैं स्क्यूटैलम। वहाँ पर जो प्लूम्यूल होता है वो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, कोलियोप्टाइल। ओके, और जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, कोलियोराइजर। ओके, तो यहाँ पर ये होता है मोनोकोट्स के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, जो स्क्यूटैलम है वो एक सिंगल कोटिलेडन है उसको हम कहते हैं स्क्यूटैलम, और यहाँ पर प्लूम्यूल को जो कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, वो कौन होता है, कोलियोप्टाइल। और यहाँ पर रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल क्या बनाएगी, रूट्स बनाएगी, उसको प्रोटेक्ट करके कौन रखता है, कोलियोराइजर। और यहाँ पर इसके बाहर जो ये लेयर होती है, दैट इज एल्ब्यूमिन लेयर, और ये क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, तो यहाँ पर हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो, डायकोट एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सब हो गए हैं। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज सीड। अब सीड क्या होता है, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। तो यहाँ पर देखो, ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपको ओव्यूल मेंशन किया है तो वो क्या बनाता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। ओवरी है वो बनाएगा फ्रूट, और ओव्यूल बनाएगा सीड। बिकॉज तुमने देखा है ओव्यूल है, उसके बाहर अगर ओवरी वॉल है, देन वी कॉल इट एज ओवरी। ओके, तो वो ओवरी है, कंप्लीट है, उसको फ्रूट बनाता है वो, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सीड दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, ऐसा सीड जहाँ पर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, दैट इज़ एल्ब्यूमिनस सीड। जहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, लाइक पी, ग्राउंडनट, इनके अंदर जो सीड है वो प्रेजेंट होता है, तो इनको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, जहाँ पर एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो यहाँ पर एग्जांपल इसका हम क्या ले सकते हैं, वीट। वीट के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। ओके, उसके बाद आता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ब्लैक पेपर के अंदर, ब्लैक पेपर में जो न्यूसेलस है, ओवरी के बाहर, ओव्यूल सैक के बाहर एक न्यूसेलस प्रेजेंट था जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, डेवलपिंग जो ओव्यूल सैक है उसको। तो न्यूसेलस है ब्लैक पेपर में परसिस्ट करता है ओवरी के, ओव्यूल के बाहर, उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ओके, डोरमेंसी है। डोरमेंसी का मतलब क्या है, कोई भी सीड प्रेजेंट है उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना वो लीफ बड की फॉर्मेशन कर रहा है, ना वो शूट की फॉर्मेशन कर रहा है, ना रूट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो वहाँ पर उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, डोरमेंट पीरियड, और सीड को हम क्या कहेंगे कि वो डोरमेंसी में है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट का मतलब क्या है, अगर एक फ्रूट ओवरी से फॉर्म होता है, देन वी कॉल इट एज ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से, फ्लावर के किसी भी पार्ट से फ्रूट अराइज होता है, देन उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अब फ्रूट के तीन लेयर्स होती हैं, बाहर वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। जैसे मैंगो है, दिस इज पेरिकार्प। अंदर सीड होता है, वो होता है यहाँ पर जो लेयर होती है, दिस इज एंडोकार्प। एंड जो बीच का एडिबल पार्ट है, दैट इज मीजोकार्प। ये तो होता है किसके अंदर, मैंगो के अंदर। अब एप्पल के अंदर, एप्पल क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों है, क्योंकि एप्पल बनता है थैलमस से, जो रिसेप्टिकल होता है, जहाँ पर जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लाई करते हैं, दैट थैलमस वो फॉर्म करता है एप्पल फ्रूट, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके, फिर आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है कि सीड की फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, और उससे पहले फॉर्मेशन होगी फ्रूट की, उसको हम क्या कहते हैं, पाथिनोकार्पे। कि जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है, डायरेक्ट फीमेल से बना है,
और वहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नो मेल गैमेट वॉज इन्वॉल्व, उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। और वहाँ पर जो सीड की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एपोमिक्सिस। और पोली एम्ब्रियोनी क्या है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना किसी सीड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर हमने देखे हैं एक से ज़्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ पोली एम्ब्रियोनी। ओके, तो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। ओके, थैंक यू। Thank you.